आज इलेक्शन है 2021-22 का, ये सालाना इलेक्शन होता है रावलपिंडी बार का। रावलपिंडी बार पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आती है और इसका मैंने कहा चले आज लेते हैं और पता करते हैं कि आज की क्या सूरत हाल है। आप जी चौधरी नूर खान साहब जो है वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और उनकी बहुत सारी खिदमत है, गर्म खासी जो है वो बेहतरीन कैंडिडेट। और आप हमें जरा सा थोड़ा सा इसमें गाइड भी करते हैं कि हमारे चैनल के लिए कौन लोग आए हुए हैं, उम्मीदवार कौन है। जी जी न्याजी साहब है तो न्याजी साहब जो है ना वो करते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अभी हमने हमारे प्रेसिडेंशियल एक कैंडिडेट हैं चौधरी नूर खान साहब, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जा रहे हैं। ये उनकी हमारी उनकी मिसेस खड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि हम बताएं कि आपका इसमें क्या रोल रहा है और आपको क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा है और आपने कैसे इसको कवर किया है। मैडम प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा ऑनर करें, थोड़ा सा बताएं। उधर जाना चाहिए। दोस्तों के कहने पे इसको कंटेस्ट किया। चलिए, थैंक यू सो मच मैडम। अभी हमने अपनी मैडम है हमारी बहुत सीनियर लॉयर हैं और बहुत मशहूर ज़माना भी है अपनी वकालत के पेशे से। मैडम सरकार अब्बास हमारे साथ हैं, ये हाई कोर्ट की भी कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल 2021-22 की। तो आज इलेक्शन पे आई हुई अपना वोट कास्ट करने, अपना राइट पूरा करने, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि मैडम हमारे इलेक्शन के इंतज़ाम ठीक होता है। मैडम हमारा इलेक्शन होता है बड़ा फ्रेंडली इलेक्शन होता है, मेरे लिए लॉयर्स का बड़ा फ्रेंडली इलेक्शन होता है और इसमें बड़ी एक अच्छी बात है कि क्योंकि हम अक्सर क्लीन होता है और आपस में हम लोगों के हर तरफ से कॉन्टेक्ट होते हैं तो हम बड़ा पीसफुली हमारे इलेक्शन प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो है जब इलेक्शन हो जाता है जो विनिंग कैंडिडेट होता है जो रह जाता है वो सारे आपस में सब कुछ भूल भाल के एक ही प्लेटफॉर्म से बिकॉज वी आर लॉयर हम, ये हेल्दी एक्टिविटी है। मैं समझती हूँ कि इलेक्शन के ज़रिए एक दूसरे से आपको रब्ता करने का मौका मिलता है और एक दूसरे के लिए आप जो है कंसर्न करते हो और हम लोग अपने काम इस किस्म का है हमारा, हमें शायद एक दूसरे से मिलने का वक्त ही ना मिले तो हम फाइलों में सारा टाइम महसूस रहते हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है अपने काम छोड़ के एक दूसरे से मिलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमें प्यार मोहब्बत जो है मैडम हमारी वैसे भी प्रेसिडेंट एज ए कैंडिडेट पहले भी डिस्ट्रिक्ट बार की भी आ चुकी हैं, पंजाब बार मेंबर के लिए भी आ चुकी हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, आयरन लेडी ऑफ द बार हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फीमेल की तरफ क्या एटीट्यूड है हमारी बार का, आपको क्या लगता है कि बायसनेस थोड़ा बहुत हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए या फिर जगह मिल सकती है फीमेल को? स्ट्रगल कर रही और अभी तक कोई फीमेल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट यहाँ से नहीं बनी है। तो मैं क्योंकि मैं समझती हूँ फर्स्ट वन हमारे से पहले हमारी मैडम राजना मैम को मिलाई थी, वो हमारी पंजाब बार की मेंबर बनी थी और उसके बाद 20-22 साल हो गए अभी वो पंजाब बार का मेंबर थी, उसके बाद नहीं बना। मैडम अक्षरा जी वो सेक्रेटरी बनी थी तो अभी तक प्रेजेंट की सीट पे एक्सेप्टेंस नहीं है और टाइम विल कम कि एक्सेप्टेंस आ जाएगी। मैं अगेन अगेन आप कोशिश करें तो आपका एक पूरा हो जाता है। मैं समझती हूँ आवाज़ पहुँचा रही हूँ सबको, थैंक यू। और लोगों को मैं एक्सेप्टेंस पैदा करूँ। मैडम का टाइम हमने लिया, मैडम आज भी बहुत बिजी है क्योंकि यहाँ पे भी और वो अपना भी उनकी सीट का भी इलेक्शन है तो हमारी मैडम आपके साथ भी हैं, सपोर्ट भी है। इंशाल्लाह आपका टाइम का बहुत
ये जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया है, 4 बजे का टाइम था, अब सारे इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का कि आप सारा ही कवर कर सकते हैं, सारा कुछ वो अभी चाय का भी चल रहा है निज़ाम सारा कुछ। तो अब देखते हैं कि कौन हमारे विनिंग कैंडिडेट्स होंगे। अब वहाँ पर चाय का इंतज़ाम था, यहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है, ये इलेक्शन भरपूर तरीके से मनाया जाता है, जैसे कि चावल चल रहे हैं, पुलाव सेवर सब कुछ यहाँ पर चलता है, बहुत यहाँ पे जो है इंतज़ाम किया जाता है इलेक्शन का। और जैसा कि आप मेरे पीछे अक्कम में भी देख सकते हैं कि इलेक्शन तो हो रहा है बट खाना पीना और चाय भी साथ चल रही है।